नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपको स्वागत कर दुर्गाशीष परी हत्या मामला रे जो बड़ षड्यंत्र जो मिछ कही राज्यवासी को आ परीर बापा माँ को राज्य सरकार जो धोखा दे तार अलरेडी खुलासा हो सारी अर्गस न्यूज रे एवं खुलासार तथ्य थिला हेमंत पंडा सूचना अधिकार कर्मी बलांगीर जो सूचना देले जे संतोष बार्ला जो चिठी लिखी जे हाईकोर्ट मनिटर्ड हम एस आई टी से चिठी कोर्ट पाखरे पहुंची नहीं तार खुलासा हो सारी स्क्रीन आम तार देखु चित्र किंतु ये खुलासार ए महामिछर ए डाहामिछर एमाने जने जने नायक एमाने जने जने क्यारेक्टर अरुण बोथ्रा भूमिका आपण समस्ते जानी सरकार को डर सरकार को गठित एस आई टी आउ ये होती सरकार का मंत्री अरुण साहू ये संतोष बाला मैडम संतोष बाला मैडम होती स्वतंत्र सचिव गृह विभाग सीए चिठी लिखी 28 नवंबर रे से चिठी भी मुझे देखिए दौर जो चिठी लिखाई थी 28 नवंबर रे से चिठी देखिले आपण भी जापर ये होची सही चिठी रजिस्ट्रार जनरल ओडिशा हाईकोर्ट को चिठी लिखिंट संतोष बाला लिखुं जे गवर्नमेंट हाज प्रपोज टू कन्स्टिट्यूटेड कन्स्टिट्यूटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू बी मॉनिटर्ड बाय ऑनरेबल हाईकोर्ट किंतु ए चिठी कहीं पहुँचनी ए चिठी कहीं पहुँचलानी तार उत्तर किए दब ए चिठी कहीं कोर्ट को पाखरे पहुँचलानी जार खुलासा हेमंत पंडा करुण बोथ्रा भूमिका देखिले एवं एपण को देखा डीजीपी महाशय जो कथा कही डीजीपी जहाँ प्रेस रिलीज रे कहते टे नजर पकातु ये लिखाऊँगी ओडिशा पुलिस प्रेस रिलीज ये लिखाऊँगी इट मे बी नोटेड दैट द केस इज मॉनिटर्ड बाय ऑनरेबल हाईकोर्ट द केस इज मॉनिटर्ड बाय ऑनरेबल हाईकोर्ट ये डीजीपी मिछ कहू ना कि आज्ञा जदि कोर्ट को पाख को चिठी जाए कहीं चिठी गलानी संतोष बार्ला मैडम जदि चिठी लिखिले ऊपर किए चाप पकेला जे चिठी न चिठी को चिठी न पठेपाई किए ताऊपर चाप प्रयोग कला एवं जी चाप प्रयोग कला से किए ए घटनार मास्टर माइंड किए आउ डीजीपी एटी कहीं मिछ कहती कहीं राज्य सरकार डरुंट कोर्ट मॉनिटर पर आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त मानस चांद सुक्त चांद आज बड़ खुलासा हो कौन सी चिठी कोर्ट को पाख को जाए सूचना अधिकार आईन बल रे ये बड़ खुलासा ताने राज्य सरकार मिछ कहते सुक्त चांद देखु प्रथम तो मुझे जड़ित अच्छी और प्रथम मुझे गोटे भल गप लिखाई गोटे नाटक गोटे प्ले कर दिया है नाटक गोटे पर गोटे पर्दा खसिया जाऊँगी तेणु प्रथम जमी आम कही गोटे केसटा मेकआउट करने चेस्टा करते सब्सिक्वेंटली से केसटा से मेकआउट करें नहींपर से जो आसला फ्रक रो सीमेंट आसला नहीं जोटा बोलते खुलासा करना से जो जो टावलटा गामुछा से गामुछा किसी आसवन तापर किसी दिन तेज़े आपको देखते जी पिलाटा जो नाबाड़ जानते हैं साबाड़ को कराइला बर्तन आ चिठी खंड ये किसी विचित्र नुहे हवा कथा और गोटे जाणीशुणी गोटे केस मेकआउट करने चेस्टा कर देखते हाँ आम मानव हाईकोर्ट तत्वधान में करुच्छू बोल किसी किसी हैलानी और बर्तमान भी देखते मानव हाईकोर्ट पाखे प्रति तारीख तारीख कड़ी जाती है रिसेंटली जो देते मानव हाईकोर्ट मार्च 24 जाए रखी तेनाली आपात आम एक्सपेक्ट करते हैं चार्जसीट देदेवे से चार्जसीट देखा से देखे हाँ से पिला ही क्राइम कर विरुद्ध में आपात तो जहाँ पाखे जदि कहते 200% एविडेंस अच्छी बर्तमान जमापड़ी किसी एविडेंस ना जो चार्जसीट दे पारे नहीं बर्तमान गला 14 तारीख दिन तेनाली बर्तमान जमापड़ी बर्तमान से गोटे मेकआउट करते जहाँ भी जहाँ जहाँ अच्छी ग्रहण संग्रह करगेन्स्ट अच्छी जुआड़े जमी कर चार्जसीट देदेवे अल्टीमेट तो जहाँ कही निश्चित मुझे पुणी पुनरावृत्ति कर अल्टीमेट रिजल्टा तो बिग जीरो हम केवल खाली गोटे पिलाटा को किसी दिन जेल रहा पड़ो ता छड़ा किसी केस किसी हबार ना और जो परी को न्याय मिलवाई जो आपण मैंने संघर्ष करते अन्य पॉलिटिकल पार्टी भी लगे जहाँ भी उत्पीला से मुझे भावी सेम फल हालाला लगूना सुक्त चांद ये बड़ कथा आसूसी विधानसभा घोषणा होता कोर्ट मॉनिटर्ड बोली ता माने ये विधानसभा रे भी ये मिछ तथ्य ये तो सांघातिक कथा ये तो स्वाधिकार भंग भलिया कथा निश्चित देखो प्रथम कथ जो मानव मंत्री जो विधानसभा भी कहते अनुसार गोटे चिठी भी लिखाई थी मानव हाईकोर्ट को क्योंकि जो मानव हाईकोर्ट बर्तन जहाँ देखते सूचना अधिकार बल कर्मी इनफर्मेसन जे ना सेमती कौन चिठी पठा ही ना बोल कि
तेणु याठ भाई कौन आ दुखर कथा पारे देखो प्रथम कथ हो जहाँ भी हो क्लीन हो कौन इन्वेस्टिगेशन आसव कौन हम किए एक्यूज हम एक्यूज न हो कौन सी लोकों प्रति इनवल्वमेंट अच्छी ना कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बिग शॉट को इनवल्व अच्छी ना से तो समय कह जहाँ किसी होता है कि मूलर कहीं गोटे भूल तथ्य दवा उचित नुहे और मो मत देखो जेहतु चिट्ठी लिखाई है मानव हाइकोर्ट प्रथम कही फास्ट जो मानव हाइकोर्ट पाखे थी जो लाइन आडभकेट जेनेल कही बर्तमान एस आई टी इनवेस्टिगेशन करुच बोलिए से कही जदि से चिट्ठी था निश्चित हूँ तो मानव आडभकेट जेनेल आनी था पिक्चर को मानव कोर्ट कर तेरु बर्तमान जना पड़े जो बर्तमान बोधे हुए चिट्ठी आसी ना रही जाता कौ जगह जानी सुनी रखा जाता से मानव हाइकोर्ट को दृष्टि को आसी पारा ना बर्तमान ये कि गोटे कथा कह कहुड़ की मूल गोटे कि भूल भटका गोटे चाहते और जाने गोटे भूल करने चाहते जार कि गुमरटा धीरे 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 खोलू जाऊँगी आग को देखते आहरी बहुत जिनस बोधे पदा को आसो मुझे आशावादी ये प्रश्न घेर स्वतंत्र सचिव संतोष बाला एवं गृह राष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र ये परी न्याय लड़े युद्ध को हरियापाई ये षड्यंत्र करुछंती कि कैप्टन मंत्री अरुण साहू को घंट घोड़ापाई जो मंत्री ना संप्रति अभियोग आसुची घंट घोड़ापाई ये षड्यंत्र नुहे कि कारण जो मान बाबुली नायक डुगु नायक कानू बेहरा कानू नायक से मान नौले से तो तदंत परिसर को अणगला ना आए जाणीशुणी एत भय कहीं कोर्ट मॉनिटर एस आई टी को राज्य सरकार भय कहीं राज्य सरकार कौन लुचाई चेष्टा कर राज्य सरकार मंत्री अरुण साहू को घंट घोड़ापाई चेष्टा कर चिठी पठे ना कोर्ट को एक यार तो खुलासा हो सारा कोर्ट निजे कहते आर टी आई सूचना कौची जे एभली कौन सी चिठी आसीनी हाइकोर्ट को पाखकु जे एस आई टी को गोटे सिटिंग जज को द्वारा मॉनिटर करा जाओ बोली ये अनुरोध पत्र आसी ना कोर्ट को पाखु को ता माने सरकार डरुछंती कोर्ट मॉनिटर को लेखाश्री मैडम आम सहित जोड़ी लेखाश्री मैडम आपण जो प्रसंग ये किसी समय आगु उठाई थे जे डीजीपी भी मिछ कहते आज्ञा राजनैतिक दल तक बस को बचापाई बा ए घटना को लिंगरिंग करने लोक मनु भूलवाई मिछ कही पारती कि जड़े डीजीपी डीजीपी भी मिछ कहते जे केस कोर्ट मॉनिटर बोली आप जो प्रसंग उठाई थे लेखाश्री मैडम ना देखु गोटे मुझे कथाटा कही गणमाध्यम को किसी समय तले जे ओडिशा गोटे ओडिशा गोटे घड़ी सन्धि मुहूर्त देखी जाऊ जो सांविधानिक विधि व्यवस्था जो रही एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेटिव व्यवहार करा जाउची गोटे सरकार को गोटे राजनैतिक दल को शासन रखा परी घटना रे विधानसभा रे भी राज्य सरकार मिछ कहले कोर्ट को नहीं भी मिछ कहले डीजीपी को मुहर भी मिछ कुहा करे एटा गोटे केते सांघातिक कथा आपण निजे जानि पर्थबे एतरु कोनोसी हमर अभिजोग नुह एगुडा सब सत ऑन द रेकॉर्ड रही विधानसभा भितर शासक दल कहले कोर्ट मॉनिटर्ड एस आई टी डीजीपी गोटे लिखित तो प्रेस रिलीज रे देले एटा होची कोर्ट मॉनिटर्ड एस आई टी आउ कोर्ट को नहीं भी कहले गणमाध्यम आगे शासक दल जे कोर्ट मॉनिटरिंग करुची एस आई टी को तो ये जो सरकार आभिमुख्य रोचे जे सब कथार मिछ कह मिछर पहाड़ उपरे विजु जनता दल सरकार बसीचि लोकों मनरे गोटे मानसिक स्तर रे थाए साइकोलॉजिकली जे सरकार के मिछ कह सरकार सत कह कि जिते सरकार मिछुआ मान द्वारा गढ़ी हो मिछुआ मान द्वारा गढ़ा ताले कौ सत बाहर हुए सरकार मूलर परी को न्याय नदवाई जो षड्यंत्र से षड्यंत्र पार्ट भी अरुण बोथ्रा से षड्यंत्र पार्ट भी एस आई टी से षड्यंत्र पार्ट भी कांग्रेस दल जी विजु जनता दल कथा हाँ हाँ मिलाऊ एस आई टी संतुष्ट है कोर्ट सो कॉल्ड कोर्ट मॉनिटर्ड एस आई टी संतुष्ट है आई षड्यंत्र पार्ट भी डीजीपी मुझे गोटे कथा कह चाहिए जे आम किसी दिन तले गोटे खबर पाई जे एस आई टी तदंतर मुख्य अरुण बोथ्रा को न करिबा पाई की एवं रेखा लोहानी को करिबा पाई की कुटे साहब जे ओडिशा रो डी फैक्टो डीजी आपण जने डीजी को कथा कहले जे चेयर रे बसछंदी
ଆଉ ଜଣେ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜି ଓଡ଼ିଶାର, କୁଟେ ସାହେବ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାକୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭୟ, ଯିଏ ଡିଜି ଅଭୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ରେଖା ଲୋହାନିଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ, କୁଟେ ସାହେବଙ୍କ କଥା ତା ଉପରେ ପ୍ରିଭେଲ କଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ କିଏ ଚଲାଉଛି। ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ କୁଟେ ସାହେବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଥାନା, ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଏବଂ ଡିଜିପି ଅଫିସକୁ ବି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଡିଜିପି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ କରେଇବା ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର, ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଗଲା ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଲେଖିକି ଦିଆଗଲା ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ରିଲିଜ କରେଇଲେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଦୁଃଖ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି, ଭୟ ବି ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ତୋଡ଼ମରୋଡ କରିବା ପାଇଁକି ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ଏବେ ଡିଜିପି ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ଏବେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସତ୍ତାରେ ବସେଇ ରଖିବା ପାଇଁକି କୋଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାବୁଲି ନାୟକ ଓଗେର, ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁକି ଏ ସରକାର କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୂଳରୁ ମିଛ, ଟାୱେଲ ବି ମିଛ, ସେ ଲେଗିଙ୍ଗସ ବି ମିଛ, ଡିଜି ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମିଛ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ତାହା ମିଛ, କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାହା କହିଲେ ତାହା ବି ମିଛ। ତ ଇଏ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟଙ୍କର ଅବମାନନା। ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଚିଠି ପଠା ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ଜଣେ କି ସନ୍ତୋଷ ବାର୍ଲା ଲେଖିଲେ ଚିଠି, ଦେଖେଇଦେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ, ଆଉ ଚିଠି ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯେ ଏ ତଦନ୍ତ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ହବ, ଫର ଅପ୍ଟିକ୍ସ ହବ, ଆଇନଗତ ବାଟରେ ହବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ସିନା କଥା କଥା ଆଗକୁ ବଢିବ, ତେଣୁ କୋର୍ଟକୁ ହିଁ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମିତ କଲେ କହିକିରି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କୋର୍ଟ ମନିଟର। ତାମାନେ କୋର୍ଟ ନାଁ ନେଇକି ଏମାନେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ କୋର୍ଟରେ ପଡିବା କଥା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମୋସନ ପାସ୍ ହୁଏ ହବା ଉଚିତ, ଯିଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା। ଯିଏ ସାହସ କଲା ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମୋସନ ଏବଂ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଯାଉଛି, ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା, ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏଠି ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ବି ହେବା କଥା, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ମିଛ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ଇଏ ଡାହା ମିଛ, ଇଏ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧୋକା। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରମାଣ ବି କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ପାଖେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ କୋର୍ଟକୁ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି ତୁମର? କୋର୍ଟ ମନିଟର ହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା ଯେ ଚିଠି ଲେଖିଲ କିନ୍ତୁ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଲାନି, 28 ନଭେମ୍ବରରେ ପଠେଇଲ କିନ୍ତୁ January 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଚିଠି କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଏକଥା RTI ଇନଫର୍ମେସନରୁ ରିଭିଲ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଚିଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସନ୍ତୋଷ ବାର୍ଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଚାପ ପକେଇଲା? କିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି? ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା କାହିଁକି? ଆଉ କାହିଁକି ଅଭୟ, DGP ଅଭୟ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ଏ କେସ୍ କୋର୍ଟ ମନିଟର ବୋଲି? ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜଣେ DGP ପୁଲିସ ମୁଖିଆ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେସ୍ଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର ବୋଲି। ତା ମାନେ ଇଏ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଟିକେ ବି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଏଠି ମିଶନ ହେଉଛି, ଏଠି ଅଭିଯାନ ହେଉଛି, ଅରୁଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ।
से अभियान ये समस्ते सामिल आईपाई कोर्ट मनिटर को भय सरकार कर मंत्री दुईटा ऑडियो वायरल है मंत्री अरुण साहू कि तदंत परिसर को आसिले सुक्त चांद आपण प्रतिक्रिया ने जो कथा आसूची पांच वर्ष झीर कथा गुरुत्व नुह ये सरकार कहीं डरले सरकार जदि भय न था ताहले सिटिंग जज को लेखिकित तो करते हैं अनुरोध करें चिठी तो भी गलानी तुम्हें यू प्रमाणित हो सिटिंग जज बा कोर्ट मॉनिटर एसआईटी को सरकार भय अच्छी सुक्त चांद देख दुर्गाशीष बाबू किसी दिन तले आपण चैनल गोटे करते इन्वेस्टिगेशन टा कोर्ट मॉनिटर ना राज्य सरकार द्वारा मॉनिटर से स्पेसिफिक भाव आपको कही से जहाँ मेटेरियल आसाला बेस करेहतु चिठीटा पठाई जनापड़ी पठाला भाया और बेसीस गोटे सिद्धांत उपनीत जनसाधारण जानी कोर्ट मॉनिटर नुहे यहाँ हूँ एसआईटी दबा राज्य सरकार एसआईटी जदि राज्य सरकार चाहिए था किसी कोर्ट मॉनिटर न कर इन्वेस्टिगेशन कर एसआईटी द्वारा एमती किसी नहीं रूल रेगुलेशन ना कोर्ट मॉनिटर द्वारा गोटे इन्वेस्टिगेशन हो राज्य सरकार चाहिए एसआईटी कर पारिथा किसी एथर असुविधा ना और इन्वेस्टिगेशन करी जहाँ तार फलाफल जहाँ पर न्याय पाऊ न पाऊ राज्य सरकार से अनुसार इन्वेस्टिगेशन कर पारिथा कि गोटे कथ हो राज्य लोक राज्य साहब आजी को एमती कह रही कारण ना गोटे चिठी लिखे से चिठे पठेबे और देखते जिते आपको चैनल रहा है और जनसाधारण गोटे जानते कोर्ट मॉनिटर एटा नुहे जदिव से किसी प्रभावशाली राजनैतिक नेता से अनुसार कही यहाँ हूँ प्रकृत में कोर्ट मॉनिटर बोली सफाई देते विभिन्न आड़ विभिन्न लोक सफाई देते जहाँ यहाँ हूँ कोर्ट मॉनिटर बोल जुक्ति बाढ़ी से जहाँ मना करी तापर देखूँ से ही पर्टिकुलर बेस डीजी मत गोटे प्रेस मीट करते जो थे कहते ना यहाँ हूँ कोर्ट मॉनिटर जितेबाला जो गोटे डीजी ऑफ पुलिस गोटे हाईएस्ट पुलिस हेड रोचान जी राज्य सरकार गोटे पुलिस विभाग गोटे बड़ पोस्ट को रोच निश्चित बेस्ड ऑन सम इनफॉरमेशन करा कथा तेनालीराम से खबरटा था चिठा पठाई बोल कि हूँ तो तार भी बेस को सही कि आज जो गोटे बड़ खुलासा आपने थ्रु आरटीआई जो थ्रु जना पड़ी चिठीटा टोटाली जाए ना बोल कि तेनाली जो प्रहसन कर कारण ना कारण राज्य सरकार चाहते निश्चित भाव से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कोर्ट को मॉनिटर करूँ बा न करूँ तक प्रेरोगेटिव जहाँ इच्छा करेंगे कि लोक गोटे विभ्रांतिक तथ्य देवाटा मुझे भावुँ ठीक हेनी कहना लोक गोटे सेनसेटिव इश्यूटा लोकर गोटे गोटे समस्त गोटे नजर अच्छी यही प्रकार गोटे भूल तथ्य देवाटा बेस कर जो डीजी पुलिस सफे देवाटा और विभिन्न समय विभिन्न पुलिस अधिकारी कहवा हाँ ठीक अच्छे गोटा कोर्ट मॉनिटर कोर्ट का मॉनिटर जाऊँगी से मन पका आम से गोटे क्वेश्चन पचारे जदि से ही पीआईएल टा फाइल नई था बर्तन मत मुझे कहता जदि से पीआईएल टा फाइल नहीं था जोटा कि तीन टा चार तारीख बर्तन गलानी बर्तन मार्च मस को रही मानव हाईकोर्ट रखुच्च जदि पीआईएल न था एपटे देखो कौन चिठी आसी ना राज्य सरकार मानव कोर्ट को सेपटे पीआईएल टा फाइल नहीं था आउ कोर्ट मॉनिटर आउ कौट आसी था कोर्ट को पाखक आसी था कौटी तो से ही राज्य सरकार अधीन में राज्य सरकार एसआईटी द्वारा ही तदंत होता तेनाली भूल तथ्य देवाटा कौन कारण ना कारण कोर्ट जब राज्य सरकार चाहते कर पारिथा न करके एमती गोटे लोक गोटे भूल तथ्य दे मानते दवाटा मुझे भावी ठीक नुहे भूल तथ्य दि जाऊँगी डर कहीं कहीं कोर्ट मॉनिटर को डर राज्य सरकार मंत्री अरुण साहू का संप्रति अभियोग आसू तार खुलासा दुईट अडियो जो अडियो प्रमाणित करुच्छे जे मंत्री अरुण साहू धमक दौले परी आंदोलन को बंद करने दयाकोरी से ऑडियो टिके प्ले करूँ हेलो भाई प्रणाम प्रणाम जो कथा गुडा करो जो भलो करो जो तो ना मो भाई से गुडा मो करो जी तू जति कहू छु से सेति कहू छी मो सब जानू छी मो चुप अछि कहू नै से हे गुडा सेंति नै नै टिके लिमिटेशन बाहर पळै गणु तू नाही भाई आपण सेंस भाबुछंदी मु आपण जदी कहबे मु ता बापा मागु नेकी जेबि न आपण आपण भाबुछंदी तो करौ छु से कथा बोली से कहू छी ना मु आपण जदी कहउछंदी मु नेकी जेबि आपण कहू नांदी काली जेबि ना एडा एडा कोन ठीक कथा होची ना मु भाई आपण काहि कहिबे बेकारटा से जिनसोडा अजथारे मु काहि कहि नै नै मु त तते केतले किछि कहि नै त त त प्रशंसा करि त भलो कहि कथा करछि तू ए कथाटा काहि करू छु मु भाई आपण माने प्रॉमिस करि कहू छु मु जिनसो मोटरु हेतर प्रसय होउ आपण जदि कहिबे त बापा मागु दि जणा से नेकी जेबि से भाबु जे से भाबु मन कहू छी तू न कहि के आपण आपण जदि कहिबे मु ताउ डाके के नेकी जेबि कहिबे काल नेकी जेबि अरे नेई के आसीबे जे मु नै नै आपण भाबु दि आपण डाइवर्ट करू थिबे ना समय रहि के करू छी बोली आपण डाइवर्ट मु जानि छी
ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କାହା କଥାରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିକି ତତେ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉଛି ତୋ ବିନା ପରାମର୍ଶ ତୋ ବିନା କଥାରେ ହଉଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିକି ସକାଳ ମାନେ ସକାଳ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରମିସ କରିକି କହୁଛି। ଶୁଣ, ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବେଶ ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି। ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି, ମୋର କୌଣସି କଥା, ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଖା କରୁଛି, ଦେଖା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହେଲା, ପରଦିନ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଲା, ସେ ବାବୁଲି ଛିଡା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବିଷ ଦେଇଛି ପିଟି ଦିଅ। ବାବୁଲି ତ ସେଦିନ ନଥିଲା, ଯେ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା। ନା ନା ନା, ପରଦିନ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ପୁରା ଥିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା। ତାର ତ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ପୁରା ଅଛି ବୋଲି। ଟାଇମଟା କେତେ କହିଲୁ ମତେ? ଟାଇମିଂ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି, ମିଟିଂ ମୋର ଥିଲା। ତାହେଲେ କହୁନୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ପରଦିନ? ହଁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ହେଇଛି 10 ଜଣ ପିଲା ଯୋଉ ବାଡ଼େଇଲେନି କି, ସିଏ ଟୋଟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ଥିଲା, ବାବୁଲି କହିଦେଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପରଦିନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା? କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ ପିଲା, 10 ଜଣ ଭଲରେ ବୁଝ, ଟାଇମଟା କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାଇଁ ସେ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଗାଁରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ଚିଠି ପଠାଗଲା ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଚିଠି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଧାରରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ବୋଲି? କେଉଁ ଆଧାରରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଇଏ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ? ଇଏ ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନିଟର, ଇଏ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ନରସିଂହ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଖୁଲାସା ହେଇଛି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ, ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନିଟର। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡେରୁ ଯେଉଁଦିନ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଏ ଅର୍ଗସ୍ର ଡିବେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଇଏ ମିଛ କହିକି ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଠି ତ ପହଞ୍ଚିନି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ପରିନ୍ୟାୟ ନୁହଁ, ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଆଉ ଏବେ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଏସ୍ଆଇଟିରୁ ଇଏ ଗୋଟେ କେବଳ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଆଉ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଯଦି କରିବାର ଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, କୋର୍ଟର ଡାଟା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟି ଯାହା ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛି, ତରବରିଆ ଭାବରେ କରିଛି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣିକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଗୋଟେ ନାବାଳକକୁ ସାବାଳକର ରୂପ ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି, ଆମେ ସେ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ସେ ଯେଉଁ ଗପ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼େଇଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲାନି, 10 ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇକି ହାଡ଼ ବାହାରିଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗପଟିକି ବନେଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କିଛି ଗପ ହିଁ ରହିଯିବ। ଏବଂ ପରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପଡ଼େ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୟାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମିତି କିଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟଟା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗପ କୁହାହେଉଛି, ଆଉ ଗପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଇଏ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ, ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ, ଯାହାର ଖୁଲାସା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଚିଠି ଲେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚିଠି ଯାଉନି କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଚିଠିକୁ ପଠାଯାଉନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କୋର୍ଟ ମନିଟର ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ଭୟ ଅଛି। କୋର୍ଟ ମନିଟର କଲେ ସତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବନି ତ, କଳା କାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଯିବନି ତ, ଆଉ ଏଇ ଭୟରେ ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ, ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନିଟର। ଆଉ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଡିଜିପି ନିଜେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କେସ୍ କୋର୍ଟ ମନିଟର ବୋଲି। ଇଏ କାହାର ଚାପ? ଯେଉଁଠି ଡିଜିପି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ପୁଲିସ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ରହିବ କି? ଖାକି ବର୍ଦି ଉପରେ ଭରସା ରହିବ କି? ଆଉ ଯଦି ଭରସା ନ ରହିବ ତାହେଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ଖୁଲାସା ଅର୍ଗସ୍ କରିଛି ପରି ସମ୍ପର୍କିତ, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ତାର ଖୁଲାସା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟାଏ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ବି ଏ ଖୁଲାସା ଜାରି ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଅର୍ଗସ୍ର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ।
बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी श्रीयुक्त मानस चांद। बिग ब्रेकिंग को रखुची, नमस्कार।